लीनियर अलजेब्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करेंगे जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ये है थ्री टू माइनस थ्री माइनस वन टू वन एंड ज़ीरो वन वन हमें इस मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉल निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल निकालने के बाद हम इसका मिनिमल पोलोमियल निकालेंगे और मिनिमल पोलोमियल निकालने के बाद हम इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म चूँकि ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है वो पूरी तरह डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल और मिनिमल पोलोमियल पे यानी गिवन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलनोमियल और मिनिमल पॉलनोमियल है तो आप उसे यूनिकली लिख सकते हैं तो देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तो सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलनोमियल फाइंड करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलनोमियल ऑफ ए दैट इज एफ एक्स इज गिवेन बाय डिटर्मिनट ऑफ एक्स आई माइनस ए जो कि हो जाएगा डिटर्मिनट ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू डायगोनल पे एक्स माइनस वन और ये जित और जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी ये और ये ये सारी निगेटिव हो जाएंगी क्योंकि माइनस ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस टू ये माइनस है तो प्लस थ्री माइनस वन ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा माइनस वन अब हम लोग इसका डिटर्मिनाट निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स को जब हम लोग ओपन करेंगे इस कॉलम में तो पहला हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू डिटर्मिनाट ऑफ दिस और सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस दिस इंटू हुआ टर्म तो हम हम क्या लिखेंगे उसके बाद एक्स माइनस थ्री इंटू डिटर्मिन माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस वन टाइम्स माइनस टू थ्री माइनस वन एक्स माइनस वन और जो कि हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन एंड माइनस और इसका डिटर्मिनाट हो जाएगा माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस थ्री ठीक है जो कि बराबर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस फाइव के जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर पहले हम लोग इस एक्स को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इससे हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस फाइव जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये देखिए ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स का कौन कौन सा टर्म है तो ये टर्म एक्स का है ये टर्म एक्स का है ये टर्म एक्स का है तो नौ तीन बारह यानी प्लस ट्वेल्व एक्स हो गया और लास्ट में माइनस फाइव एंड माइनस थ्री मिलकर हो गए माइनस एट तो हमारे पास हो गया एक्स माइनस टू का होल क्यूब तो इस तरह हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है वो आया है एक्स माइनस टू का होल क्यूब तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है और इस थ्योरम को कैली हेमिल्टन थ्योरम कहते हैं तो मिनिमल पोलोमियल जो होगा यानी वो स्मॉलेस्ट डिग्री पोलोमियल जो उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा वो एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनियल का एक फैक्टर होता है और एक चीज़ ये कभी इसमें सारे रूट होते हैं तो इसका इसका रूट क्या है यानी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है तो इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो है टू तो इसका मतलब मिनिमल पॉलोमल में टू तो होगा ही होगा तो हमारे पास इसके कौन कौन से फैक्टर हैं तो इसके तीन पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं x माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस टू का होल क्यूब और हमें चेक करना होगा कि इसमें से कौन एक्चुअल में इसका मिनिमल पॉल है तो हमारे पास कौन कौन से कैंडिडेट हो गए मिनिमल पॉल के तो हमारे मिनिमल पॉल हो सकते हैं एक्स माइनस टू हमारा दूसरा मिनिमल पॉल नॉमियल हो सकता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और तीसरा हो सकता है एक्स माइनस टू का होल क्यूब और ये हमें कंप्यूटेशन करके टेस्ट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स को निकालते हैं ए माइनस टू आई और देखते हैं कि ये जीरो होता है कि नहीं तो जब हम ए माइनस टू आई कम्प्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वन टू माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन माइनस वन तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है इसके कारण जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो एक्स माइनस टू नहीं होगा सो दिस इज़ नॉट ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स तो अब हम इसका स्क्वायर चेक करते हैं तो ए माइनस टू आई का स्क्वायर यानी वन टू माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ वन टू माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन माइनस वन और अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन टू सेकेंड रो में हो जाएगा माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन माइनस वन टू तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी नॉट जीरो है तो इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड है पोलिनियल है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये भी इसका मिनिमल पोलिनियल नहीं है तो अंत में बचा ये एक्स माइनस टू का होल क्यूब तो ये तो श्योरली एक मिनिमल पॉलिनियल होगा बाय केली हेमल्टन थ्योरम या आप इसे चेक भी कर सकते हैं तो अगर हम a माइनस टू आई का होल क्यूब निकालें जो कि ये मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्वायर माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन माइनस वन टू और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ए से तो ए हो गया वन टू माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन माइनस वन और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हम लोग देखेंगे सिर्फ पहला ही अगर हम रो निकालें इसका क्योंकि ये तीनों रो सेम है तो अगर हम पहला ही रो कंप्यूट करें तो हम लोग देखते हैं कि ये होता है ज़ीरो 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 तो दूसरा भी ज़ीरो 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 होगा और तीसरा भी ज़ीरो ज़ीरो होगा यानी कि जो मिनिमल पॉलनोमियल है इस मैट्रिक्स का वो है एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब तो यानी इस मैट्रिक्स का जो जॉर्डन देखिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलनोमियल क्या था इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलियोनोमियल था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यानी जो भी जॉर्डन ब्लॉक होगा इस मैट्रिक्स का उसमें डायगोनल में क्या क्या होंगे तो टू 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 होंगे क्योंकि ये एगन वैल्यू डायगोनल पे होता है उसके बाद मिनिमल पॉलिनियल क्या बताता है मिनिमल पॉलिनियल बताता है कि लार्जेस्ट ब्लॉक का साइज कितना होगा तो इस पर जो पावर थ्री है ये बता रहा है कि जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक होगा उसका ऑर्डर तीन होगा तो सबसे पहले हम लोग तीन ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बना लेते हैं तो ये एक तीन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है लेकिन चूंकि ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब यानी टू थ्री बार है तो यही मैट्रिक्स एक्चुअल में हमारे जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है तो इस तरह हम लोग किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच